हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टी ए मोड प्लेस डॉट कॉम यूट्यूब चैनल और जी टी ए मोड प्लेस डॉट कॉम वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं जी टी ए मोड प्लेस डॉट कॉम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी टी ए सैन एंड्रियास के ETH ग्राफिक्स मोड को हम कैसे लो एंड PC के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की जानिब चलने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल gtamodeplace.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने डाउनलोड कैसे करना है ETH मोड को। डाउनलोड का मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। आपने क्लिक करना है इस लिंक पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहाँ आपने सबसे पहले क्या काम करना है, जो आपको एड्स नज़र आ रही होंगी आप ये देख सकते हैं, एक ये ऐड नज़र आ रही है और भी आपको यहाँ पर एक ये ऐड नज़र आ रही है। आपने इन एड्स पर जो है वो एक से दो क्लिक्स कर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको लिंक्स के आगे क्लिक हेयर होगा, आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आपके पास एक और पेज ओपन होगा। यहाँ आपने 10 सेकंड वेट करना है। जैसे ही आपके पास 10 सेकंड कंप्लीट होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो गूगल ड्राइव पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ आपने डाउनलोड के एरो पर क्लिक करना है, डाउनलोड एनीवे पर, और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो कुछ इस फाइल में आएगा, आप देख सकते हैं। आपने जस्ट राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद फोल्डर को ओपन करना है, इंस्टॉलर वाले आइकन पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉलर पर डबल क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा यस का, आपने यस करना है, फिर ओके, फिर नेक्स्ट, फिर आई एग्री, फिर नेक्स्ट। और यहाँ से वो पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर सैन एंड्रियास गेम फोल्डर, जहाँ आपकी सैन एंड्रियास इंस्टॉल है आपने वो फोल्डर की लोकेशन दे देनी है। मैं वो लोकेशन दे देता हूँ और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल। आपके ETH मोड्स की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपने अनटिक करना है और फिनिश पर क्लिक कर देना है। जहाँ आपने इंस्टॉल किया उस फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पर देखें आपको काफ़ी फाइल्स मिल रही होंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपने विंडोज 10 फिक्सर बाय GTA AMP आपने इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से अपनी गेम को रन कर लेना है। अगर आपके पास विंडो XP 7-8 है तो आपने GTA SA वाले आइकन से अपनी गेम को जो है वो प्ले करना है। मेरे पास विंडो 10 है इस टाइम, तो मैं GTA 10 वाले फिक्सर पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक या एडमिनिस्ट्रेटर, यस करना है आपने और आपकी गेम जो है वो रन हो जाएगी।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल gtamoodplace.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा।